सागर निधन मामले में फंसे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम पहले भी कई कॉन्ट्रोवर्सीज में सामने आ चुका है। अब चाहे वो रियो का ओलंपिक जाने का मामला हो या फिर नर्सिंग का डॉक्टर या फिर प्रवीण राणा के साथ उनका विवाद, किसी न किसी मामले की वजह से हर साल हर महीने चर्चा में रहते हैं रेसलर सुशील कुमार। अब मुद्दा उठाते हैं सबसे पहले जून 2016 का, जब ओलंपिक की रियो ओलंपिक की तैयारी चल रही थी और रेसलिंग में भारत की तरफ से नरसिंह का नाम सामने आया था और रेसलिंग फेडरेशन ने भी ये बोला था कि 2015 से सुशील कुमार ने किसी ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं किया और इस वजह से नरसिंह यादव की तैयारी बेहतर है और उसे ही रियो ओलंपिक में भेजना सही रहेगा। नरसिंह यादव सितंबर 2015 से तैयारी कर रहे थे। नरसिंह यादव का नाम फाइनल होता उससे पहले ही सुशील ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और इस बारे में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान यहां पर भारत सरकार के खर्चे और जोर दिया जाकर सुशील कुमार ने किस तरह से भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस ना करके जॉर्जियो के खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस की जो कि नियमों के खिलाफ था। इसके बाद सुशील के वकील ने कोर्ट में कहा था कि इंटरनेशनल रेसलिंग में सुशील कुमार कामयाब होने के ज्यादा चांस है, वो अकेले ही वे ऐसे भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नरसिंह के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो सुशील के पास है, इसलिए अगर रियो ओलंपिक में सुशील को भेजा जाता है तो वो 101% भारत को जीत दिलवाएंगे। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताई थी। रेसलिंग फेडरेशन और खिलाड़ियों की राजनीति को भी कोर्ट में घसीटा जा रहा था, जबकि खिलाड़ियों को इस समय अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए था। बाद में कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। इस मामले को लेकर नरसिंह और सुशील के बीच काफी मनमुटाव भी हो गया था। ये मामला खत्म नहीं हुआ था। बाद में डॉप टेस्ट में रेसलर नरसिंह यादव फेल हो गए थे क्योंकि उनके खाने में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसकी वजह से उनका डॉप टेस्ट फेल हो गया। इस मामले पर कई सारे सवाल उठे थे और इस वजह से नरसिंह को 4 साल के लिए बैन कर दिया था। इस मामले में सुशील कुमार का नाम सामने आया था, तब सुशील कुमार के कोच सतपाल ने कहा था कि अगर सुशील का नाम डोपिंग विवाद में सामने आया तो नरसिंह के खिलाफ मुकदमा करेंगे। जबकि डोप टेस्ट के विवाद के बाद नरसिंह यादव की वाराणसी के प्रेतक गांव मुरेरी में मायूसी छा गई थी। नरसिंह के घर वालों ने तमाम आरोपों को गलत बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को इस मामले की जांच करने के लिए भी कहा था। उस वक्त सुशील कुमार कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के क्वालिफाई किया था। उन्होंने 74 किलोग्राम फाइनल ट्रायल मैच में जितेंद्र कुमार को हराकर अपनी जीत पक्की की थी। इस खबर से सुशील कुमार काफी ज्यादा खुश थे और साथ ही उनके फैंस भी। लेकिन कुछ ही देर बाद सुशील कुमार के फैंस और दूसरे भारतीय रेसलर्स प्रवीण कुमार ने समर्थकों के साथ भिड़ गए। उनके बीच नई दिल्ली के केडी यादव स्टेडियम में जोरदार हाथापाई हुई, काफी ज्यादा झगड़ा हुआ और इसका वीडियो सोशल मीडिया और ट्विटर अकाउंट पर वायरल हुआ। साल 2020 अगस्त का महीना, डोप टेस्ट में नाकाम हुए पहलवान नरसिंह यादव पर आरोप लगा था और ये आरोप 2020 में खत्म हो गया था। बैन खत्म होते ही सुशील कुमार और नरसिंह के बीच खिलाफ बयानबाजी भी हुई थी। हालांकि नरसिंह यादव ने वापसी का स्वागत किया था सुशील कुमार को लेकर। सुशील कुमार ने नरसिंह की वापसी पर मुकाबले के बारे में बयान भी दिया था। सुशील ने कहा था कि नरसिंह के रिंग पर लौटने से वो उसका स्वागत करते हैं। सुशील ने नरसिंह के साथ मुकाबला होने पर पूछे जाने पर कहा था कि ये समय आगे बढ़ने का है, फिलहाल हमें इससे हटकर सोचना चाहिए। उसके बाद अब खबर आ चुकी है 2021 में फिर से सागर धनखड़ के निधन मामले पर फंस चुके रेसलर सुशील कुमार को लेकर, जहां पर सुशील कुमार एक बार फिर से बुरी तरह से फंस चुके हैं इस मामले पर और कई सारी खबरें सामने आ रही है और साथ ही यहां पर सुशील कुमार को लेकर कई बयानबाजियां भी हो रही है। नेक्स्ट टाइम लाइव से रचनी की रिपोर्ट।